चैत नवरात्र के समापन पर शनिवार को पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से नवमी पूजन किया, फिर कन्याओं की पूजा भी की। आपको बता दें, सीएम योगी ने मंदिर में करीब एक घंटे तक पूजा की और कन्याओं के पैर धोए और बटुक भैरव की पूजा भी की। कन्या पूजन भी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। इस दौरान पूजा हवन के बाद मुख्यमंत्री ने कन्याओं को खुद अपने हाथ से भोजन कराया। पूजन आदि से पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय मठ में आने वाले लोगों के साथ गुजारा, फिर मठ स्थित शक्तिपीठ पहुंचकर हवन पूजन किया। सीएम योगी ने मठ में पूजन कक्ष में मौजूद अन्य कन्याओं को भी खुद से भोजन कराया। इसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनकी विधि पूर्वक विदाई की। सीएम योगी दोनों नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हैं। यह प्रक्रिया तब से चल रही है जब वह सीएम नहीं थे। कन्याओं की विदाई के साथ ही गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर के हाथों होने वाली नवमी की पूजा सम्पन्न हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कन्या मानसी ने कहा, एक कलम से बच्चे बनाना शुरू करो।
मानसी सिंह। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से भोजन चला, अपने हाथ से दक्षिणा दिया और चुनरी ओढ़ाया और पूजा चला। बहुत अच्छा लगा।